हम लोग आए हैं अमृत प्लांटेशन अंदर नर्सरी देखने के लिए, कैसा है अंदर में, क्या व्यू है देखने के लिए आए हैं। अंदर चलते हैं, देखिए गेट बंद है, हम लोग खोल के जाते हैं अंदर क्या है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, प्लांटेशन बना हुआ है, देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी। ये देखिए एक कैलेंडर, इसका नाम कैलेंडर है। ये अभी एक साल का पेड़ है अभी, तो इसको लेने के लिए आपको चाहेगा तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर हम दे देंगे। हम इससे पहले पात्र फार्म्स गया था और अभी हम आए हैं अमर से, इधर आए हैं देखने के लिए कैसा टाइप का पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारा है इसमें। आगे चलते हैं, ये बोगनविलिया का फूल का पेड़ है, ये अभी फिलहाल लगा हुआ है, वो आगे में जो है वो हो गया, दो महीने का पेड़ है, बहुत बड़ा बड़ा हुआ है पेड़। देखिए ये फूल ऐसा टाइप का आएगा, ये फूल ऐसा टाइप का आएगा, ये देखिए इधर कर्नोकार्पस का पेड़ लगा हुआ है, ये रोड साइड का पेड़ बोलते हैं इसको, अच्छा इसमें है। देखिए ये देखिए पेड़ हुआ, काड़ी दे। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा हुआ है, ये मतलब आपको दो महीना लगाएंगे इसे और वो बढ़ जाएगा, मतलब ये पॉलिथीन का अंदर है बोल के छोटा छोटा है इस, वो उसको लगाएंगे तो बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा। ये देखिए ये फॉरेस्ट नीम है, ये तो मतलब इतना बड़ा हुआ है पेड़, ये आपको खोल, ये इससे बड़ा बड़ा है, देखिए इसमें हुआ है और आगे में लगा हुआ है, तो इसमें मिल जाएगा आपको। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है, प्लांटेशन अच्छा है। इसका नाम है पाटुली पेड़ है इसका नाम। ये देखिए बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, अभी फिलहाल एक साल का पेड़ होगा ये वाला। देखिए ये देखिए इमली का पेड़ लगा हुआ है, इमली का पेड़ भी आपको मिलेगा, अच्छा अच्छा है। देखिए ये भी एक साल का पेड़ है, इमली का है, ये सब सारा इमली का है। ये बीच में इसका नाम क्या है, इसका नाम ये फॉरेस्ट एक, फॉरेस्ट एक से एक फॉरेस्ट का पेड़ क्या है इसका नाम। ये इमली का पेड़ लगा हुआ है, इसमें क्या है ये वाला, ये शीशम का पेड़ है, देखिए शीशम का पेड़ है ये वाला, ये कंजी करंज, करंज का पेड़ है ये वाला। देखिए इधर आइए, इधर आइए, ये कृष्णचूड़ा का पेड़ है, ये कृष्णचूड़ा का पेड़ है, इसमें अच्छा अच्छा टाइप का दिखाई देगा ये लगाएंगे तो। ये बहुत अच्छा, ये देखिए ये पेड़ है, इसका बहुत मूल्य है, ये बोल कोल का पेड़ है इसको बोलते हैं, बॉल का पेड़ है, ये बहुत बड़ा हुआ है, एक साल का पेड़ है, मेडिसिन के लिए भी इसको यूज करता है, उसका जो फल होता है उसका अंदर से जो निकलता है मंजी निकलता है उसका मेडिसिन के लिए यूज होता है। जामुन, जामुन का, ये जामुन का पेड़ है, जामुन का पेड़, देखिए ये वाला, वो आगे में क्या है वो पेड़ ना, पथोड़िया, पाथोड़िया पेड़ है वो वाला। देखिए कस्टर्ड एप्पल है, बहुत टेस्ट लगेगा ये, इसका फल टेस्ट बहुत टेस्ट है। वो देखिए वो आलमंड का पेड़ है, वो देखने को जितना सुंदर लगता है, उसका अंदर में जो आलमंड है वो बहुत प्रोटीन, खाने के लिए बहुत टेस्ट है, टेस्ट है छोड़ दो, प्रोटीन ज़्यादा है, छोटा बच्चा के लिए वो बहुत अच्छा है, और जिम के लिए जो भी आदमी जिम जा रहा है वो वही वो अच्छा लगता है। थोड़ा देखिए इधर भी देखो, ये तो इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है, देखिए इसको लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी अभी ग्रो करेगा। वो बोलते हैं कि 1 साल का बाद वो आएगा इसमें, देखो एक बार कितना बड़ा भी है।
ये इधर का पूरा आम का पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारा आम का पेड़ है। इसमें आपको कभी आइए, इसमें बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा, और जितना पीसेस चाहिए आपको आम का पेड़ लेने के लिए वो मिल जाएगा आपको। देखिए बहुत अच्छा से लगा हुआ है, इसका ऊपर से लाइट जो गिरता है इसीलिए उसका ऊपर से एक नेट टाइप का लगा हुआ है। देखिए प्लांटेशन के साथ तरीके से बनाता है, अच्छा से बना हुआ है। फिलहाल इसमें लगा हुआ नहीं, इसमें तो अभी लग रहा है, इसमें तो और एक महीने के अंदर भी वो आ जाएगा, आम का पेड़ लगा हुआ है आ जाएगा। आइए ये वाला देखिए, वो उधर हम पात्र फार्म से गया था, ऐसा टाइप का बनाना हुआ था उधर, अभी भी इधर भी ये फार्म में भी है। देखिए पात्र फार्म से जैसा बनाना हुआ था इधर भी है। हम ये देखिए नारियल का पेड़ है, ये पे लगा हुआ है, अभी इसको आप लेके लगाएंगे तो इसको एक साल के अंदर आपको पेड़ बड़ा हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आगे में बहुत सारा फार्म का पेड़ लगा हुआ है, आपको मिल जाएगा, और ओनर से बात करेंगे क्या क्या रेट है, किसका कौन सा का मतलब आम पेड़ लगा हुआ है, जो भी है हम बात करके आपको अच्छा से समझा देंगे। इधर ये ताइवान पिंक पिजुली, ताइवान में पिंक पिजुली है बोलते हैं, गावा 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 पिजुली है इसको बोलते हैं। ये पिजुली का पेड़ है, इसमें वो नारियल का पेड़ देखिए, बड़ा बड़ा नारियल का पेड़ हो गया है। ये कटहल, ये कटहल का पेड़ है, देखिए कटहल का पेड़, ये कटहल का पेड़ है, ये सारा कटहल का पेड़ है। ये चाइना कटहल बोलते हैं इसको। पेड़ का नाम लीची है, लीची कुली जो बोलता है वो मार्केट में मिलता है, यही वो यही पेड़ है, उसे फलता है ये वाला। ये अभी 6 महीने का पेड़ है, देखिए ये सारा लगा हुआ है लीची का पेड़। पिजुल का पेड़ क्या है, आगे पिजुल का पेड़ है ना, ये गाभा पेड़ है, ये बांग्लादेश में होता है ये वाला, ताइवान पिंक इसको बोलता है। बांग्लादेश का पेड़ है वो, एप्पल बेर उसको बोलते हैं बांग्लादेश में। देखिए एक बार अभी थोड़ा बड़ा बड़ा भी है, चलो आगे देखिए। वो लेमन का पेड़ है, वो हमारा इंडिया का सबको मालूम है, लेमन मालूम है, चिकन भी जो भी खाना टाइम में लेमन बहुत ज़रूरत है। देखिए एक बार जिधर भी मिट्टी, जो जिसका मिट्टी भी हो वो होता है, देखो एक बार लेमन का ट्री है। ये वाला देखिए कटहल का पेड़ कितना हो गया, बड़ा हो गया, ये कटहल का पेड़ है, एक साल में आपको ये फल देगा। ये देखिए ये पेड़ का नाम स्टीविया है, ये स्पेशल करके डायबिटीज से आदमी जो है डायबिटीज के लिए मेडिसिन तरफ से मेडिसिन तरफ इस पे बनता है, ये डायबिटीज के लिए अच्छा है। ये वाला देखिए स्टेबिन, ये पत्ता को, इसको पत्ता को ग्राइंडिंग करके खाता है। ये पेड़ एक मेडिसिन का पेड़ है, देखिए कैसा टाइप का इसका पत्रा है, मतलब ये वाला का नाम तो हमको पता नहीं है, वो ओनर से पूछ के आपको हम बोल देंगे, फिर आगे में जो वीडियो आएगा उसमें बोल देंगे। देखिए पेड़ है, इस इधर देखिए ऑरेंज का पेड़ लगा हुआ है, इधर देखिए ऑरेंज का पेड़, पूरा सारा ऑरेंज का पेड़, ये वाला ऑरेंज का पेड़ लगा हुआ है। इसका रेट बहुत कम में आपको मिल जाएगा, आप एक बार आइए फार्म विजिट कीजिए, वो जो पेड़ लेना चाहिए हम आपको मदद कर लेंगे, दे देंगे।
लेकिन ये कम रेट में आपको मिल जाएगा। ये एक फूल का पेड़ है, ये वाला फूल का पेड़ है, देखिए सुंदर सुंदर फूल हुआ है। एक फूल का पेड़ है, हमारा रास्ता का दोनों साइड से जो लगाता है पेड़, यही पेड़ लगाता है, देखिए फूल अच्छा है इसका। ये एरिकनट का पेड़ है, देखिए सारा एरिकनट पेड़ है। ये पेड़ जब बड़ा होता है ना, इसका देखने के लिए एक लाइक मिलता है, ये पेड़ अच्छा सुंदर लगेगा बड़ा होगा तो। ये छोटा छोटा है, सारा नारियल का पेड़ लगा हुआ है, स्पेशल इसमें आम का पेड़ लगा हुआ है, देखिए वो इसमें कैसा तरीके से बना है, देखिए इसमें कैसा पलथिन दिया हुआ है। इसमें दूसरा आम का पेड़ को लगा के इसको ये करता है, देखिए ये वाला पूरा सारा लगा हुआ है। इधर विपिन जी, इधर देखा, ये होने के बाद इधर इधर ऐसा टाइप का फिर आम का पेड़ निकलता है, ये पलथिन निकल देता है, ये पलथिन निकलने के बाद फिर आम पेड़ निकलता है इसमें, ये देखिए सारा इधर लगा हुआ है। बहुत सारा भी आम का पेड़ है आगे में, दिखाएंगे आपको। ये देखिए आम का पेड़ को इसको काट के कैसा बनाते हैं, हम उसको उसका ओनर से बात करते हैं, ओनर को पूछते हैं कैसा तरीके से बनाते हैं, ये कैसा तरीके से होता है। ये जो पलथिन लगा हुआ है, तो पलथिन किसके लिए लगाता है हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बोलिए, आदमी लोग को समझ में नहीं आता है कैसा बनता है आम का पेड़, कैसा होता है वो थोड़ा समझा दीजिए। क्या है, पहले वो 6 महीने का पेड़ है, पौधा बनते हैं 6 महीने का, तो इसके बाद में उसको ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। ग्राफ्टिंग मतलब उसको पहले वाला जो पौधा है उसको देसी वाला है, वो जो ऊपर में जो जॉइंट है जी, वो कॉलम वाला है। ये पॉलिथीन किसके लिए डालते हैं? वो पॉलिथीन मतलब उसको डालने से क्या हुआ, वो कॉलम हो गया और उसको डालने के बाद में इसमें गर्मी होते हैं जी जी जी, ज़्यादा गर्मी होने के बाद में इसमें जर्मिनेशन शुरू होते हैं जी जी, है ना। तो इसके बाद में जो जर्मिनेशन हो जाएगा उसको फिर निकाल देते हैं हम लोग, और उसको फिर अलग अलग करके उसको छांट के इधर उधर रख देते हैं। हम एक चीज़ आपको पूछ रहे हैं, ये जो हम लोग पॉलिथीन डाले हैं, पहले तो आप हम पॉलिथीन नहीं डाला हुआ है आप, नहीं नहीं नहीं, इसको पहले काट के एक काट के उसको बांधना पड़ता है, मेडिसिन दे के बांधना पड़ता है जी, और इसका बाद में उसको पन्नी डालना पड़ता है। पन्नी डालना मतलब गर्मी होता है, गर्मी के बाद अंदर गर्मी आएगा, इसके बाद में जर्मिनेशन शुरू होगा। बहुत सारा वेराइटी, 7-8 वेराइटी है हम लोग बनाए हुए हैं। इसका नाम क्या है? इसमें अभी वो दशहरी बंधा हुआ है, दशहरी। ठीक ठीक ठीक। मैंगो का ट्री है, बहुत मैंगो का ट्री लगा हुआ है फार्म में। इसमें से आपको यूपी और बिहार को पार्सल देते हैं, इधर से जाता है। देखिए उनका ओनर जैसे बोले हैं, ये पॉलिथीन गर्मी होता तो इसमें पेड़ का पत्रा निकलता है, देखिए ये हुआ है, ये फिलहाल स्टार्टिंग हो रहा है, ये फिर बढ़ेगा। ये इसको काट के इसमें मेडिसिन दे के एक उसको बांध के रखता है पॉलिथीन से, और बांधने के बाद ये पौधा निकलता है। सब ये सब पेड़ ऐसा हुआ है, सब में ऐसा है, देखिए ये वाला, देखिए ये भी है, इसमें देखिए आम जो दिखाया इसमें तो थोड़ा थोड़ा ये निकल रहा था, ये हो गया, ये वाला हो गया है, ये वाला भी हो गया है, देखिए एरिया पूरा आम का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए पूरा आम का पेड़ लगा हुआ है। इधर से यूपी के लिए हमारा 60,000 जैसा पेड़ का ऑर्डर हुआ है, उसके लिए गाड़ी भेजने वाला है, 4-5 दिन के अंदर यूपी इसमें से आम का पेड़ जाएगा, पूरा आम का पेड़ सिर्फ जाएगा यूपी। और लीची का पेड़ तो उधर हम दिखाया था, ये देखिए आम का पेड़ कितना बड़ा बड़ा अंदर में भी हुआ है, ये देखिए हम आगे जो दिखाया था, ये भी ऐसा होने के बाद देखिए उसका जो बांधा हुआ था इसको खोल दिया, खोलने के बाद ये बड़ा होगा, आप इसको लेके लगाएंगे तो 1-2 साल का अंदर आपको आम फलेगा इसमें। ये देखिए इधर भी आम का पेड़ है, देखिए बहुत वेराइटी का आम का पेड़ लगा हुआ है,
आप जो चाहिए जैसा टाइप का आम का पेड़ चाहिए, हम आप हमारा वो जो ओनर है उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आप वो नंबर में कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। अभी फिलहाल यूपी के लिए तो ऑर्डर हो चुका है, वो जाएगा, इसमें भी लगेगा, आम का पेड़ लगेगा। दोस्त आगे में क्या है, आगे में कौन सा पेड़ है? पपाया का पेड़ है। ठीक है, चलिए आगे में कौन सा पेड़ है देखेंगे। ये देखिए, ये जो फूल का पेड़ है, ये देखिए, ये जो फूल का पेड़ है ये इंडोर का पेड़ है, मतलब घर का अंदर आप लगा सकते हैं। तो घर का अंदर बिना लाइट से भी वो सनलाइट से भी हो जाएगा, अंदर में रहेगा, ये इंडोर का है। देखिए ये बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए, ये भी इंडोर का पेड़ है, ये वाला, ये फूल का, ये इंडोर का पेड़ है, रहेगा अंदर, घर का अंदर भी रख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, इधर घुमाइए, सारा आम का पेड़ ये जो है लगा हुआ है, देखिए आम का पेड़ लगा हुआ है। इसमें से देखिए, हम आपको निकाल के दिखाता है, ये हुआ नहीं है, वो होने वाला है, पॉलिथीन डालता है गर्मी होने के, फिर ऊपर निकलता है। देखिए ये वाला, देखिए ये वाला हो चुका है, इसमें से 60,000 का पीस आम का पेड़ ऑर्डर हो चुका है यूपी के लिए। ये जो आम का पेड़ है, ये देखिए, ये वाला सारा आम का पेड़ जो है यूपी के लिए जाने के लिए रेडी है, ये मतलब ये गाड़ी भेजेंगे वहाँ से। 60,000 का आम का पेड़ ऑर्डर हो चुका है, उधर से गाड़ी आएगा, ये वाला वो लेके जाएंगे। चलिए अंदर में एक फार्म है, इसमें पपैया का पेड़ के इसका अंदर पपैया का पेड़ लगा हुआ है, और देखते हैं और क्या क्या है अंदर में, देखते हैं। आइए, ये भी इधर भी आम का पेड़ है, बदल का है, देखिए। हम जैसे हम आपको इससे पहले एक वीडियो में हम भेजे थे, जैसे पात्र फार्म से जैसा पपैया हुआ था, छोटा छोटा पेड़ में पपैया हुआ था, इसमें भी है, देखिए ये वाला हुआ है, पपैया हुआ है, वो सारा पेड़ देखिए छोटा छोटा हुआ है। इधर भी देखते हैं एक बार, इधर भी देखिए, ये साइड में राइट साइड में क्या है, इसको हम दिखाएंगे आगे। चलिए, ये भी एक फूल का पेड़ है, ये वाला, ये शो का पेड़ है, देखिए शो का पेड़ है, ये देखिए, ये शो का पेड़ कितना बड़ा हुआ है, ये वाला, ये भी देखिए। हाँ, ये पेड़ हम हमेशा हर आदमी का घर का फ्रंट में एक ठो होता रहता है, इधर भी है, ये मतलब कोई लिया नहीं बोल के लगा दिया, देखिए कितना बड़ा हुआ है। दीपिन जी इधर आइए, अंदर में देखिए, ये आम पेड़ है जी, इसका नाम क्या है, ये आम पेड़ का? दशहरी मल्लिका, ऐसा अलग अलग का आम का पेड़ है। ये सब सारा यूपी के लिए चला जाएगा, अभी फिलहाल इसका ऑर्डर हो चुका है। देखिए एंगल में कैसा बना हुआ है, इसको ऐसा रेलिंग करके इसमें एक नेट टाइप का डालता है, जैसे सनलाइट ज़्यादा नहीं होगा, सनलाइट को रोकने के लिए इसको डाला हुआ है, जैसे पेड़ अच्छा से होगा। देखिए ये सब बना हुआ था, फिलहाल तो हो गया, इसलिए इसको निकाल दिया, ऊपर से नेट निकाल दिया। प्लांट है, मतलब घर का अंदर लगा सकते हैं इसको, इंडोर का प्लांट है। और ये वाला एक पेड़ है, इसका नाम तो हमको भाई पता नहीं है। देखिए पेड़ का नाम, इतना सारा पेड़ है इसी फार्म में, लेकिन हमको उसका नाम पता नहीं चलता है। हमारा दोस्त दो टो पेड़ पकड़ा है, लेने ले रहा है, आया है, अभी हमारा चैनल ग्रीन क्रिएशन दिया है, तो उसका चलते ये बोला अभी 50 पीस हम लेगा, हमारा गाँव में लगाएगा। देखिए बॉल का पेड़ लिया है, बॉल उसको बोलते हैं, ये देखिए ऐसा, इसका 10 पीस लेगा,
और ये जो है लीची का पेड़ चाठो लेगा उसका घर में लगाने के लिए लेगा लीची, और नारियल का पेड़ उधर है वो नारियल का लेगा 10। साइकस ये वाला देखिए, साइकस का पेड़ है ये वाला, शो प्लांट है साइकस, शो प्लांट है। तुलसी का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, ये सब रेट कैसा रहता है, और आप मेरा चैनल तरफ से जो आदमी आएगा उसके लिए क्या क्या आप तरफ से हेल्प रहेगा, कैसा उसको मैनेज कर सकते हैं आपको वो थोड़ा हमको बोल दीजिए, हमारे चैनल में हम बोलेंगे, वो जो आदमी आएंगे उसको हम मदद करेंगे। नहीं वो तो हम लोग भी कर सकते हैं, कोई भी आपका यूट्यूब का चैनल के साथ से आएगा तो उसको हम ज़रूर तो कुछ भी करेंगे, सहायता भी देंगे, रिलैक्सेशन करेंगे। देखो क्या है, वो कोई आएगा क्या क्या लेगा क्या नहीं, जैसा हिसाब से ये आके आने के बाद में नेगोशिएशन होगा। जैसे आपका मतलब अभी यूपी आप जैसे भेज रहे हैं, आम का पेड़ भेज रहे हैं, अभी इधर हमारा भुवनेश्वर से कोई आदमी आएगा, आपको आप वो गाड़ी लेकर आएंगे ना, आपका गाड़ी से आप नहीं, हम लोग भी उसको भी गाड़ी भी करके भी भेज देंगे, लेकिन बात हो गया तो गाड़ी भी करके भी भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, यहाँ आने के बाद में सब कुछ पता चलता है। से बनाया फार्म 16 साल हो गया, नर्सरी 16 साल हो गया। हम फाइनली अमृत प्रोजेक्ट एंड प्लांटेशन हम विजिट कर चुका है, ये देखिए उनका बोर्ड है, ये डीएनपुर से 2 किलोमीटर दूर में आता है इसका प्लांटेशन, जो एरिया है वो आता है। देखो उसका नंबर भी है उधर, इसमें भी नंबर है, ये नंबर हम दिखा दे रहे हैं आपको, आपको ज़रूरी है तो कुछ चीज़ लेने के लिए नंबर में फ़ोन कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, मिल जाएगा आपको। हमारा विजिट कैसा लगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, आपको जो चीज़ ज़रूरत है हमारा डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कीजिए, आपको मदद किया जाएगा, करा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और घंटी मोटा दबाइए प्लीज़, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो हम इतने साथ लेकर आएंगे आपका सामने, और कैसा कैसा नर्सरी होता है, प्लांटेशन होता है, हम आपको समझाएँगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ओके, लाइक, बाय बाय।